हिंदू विवाह के सात फेरे, कन्या के सात वचन, आइए जानते हैं। विवाह, वी प्लस वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से, यानी उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों के विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारों को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। विवाह एक ऐसा मौका होता है जब दो इंसानों के साथ साथ दो परिवारों का जीवन भी पूरी तरह बदल जाता है। भारतीय विवाह में विवाह की परंपराओं में सात फेरों का भी एक चलन है, जो सबसे मुख्य रस्म होती है। सात फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूर्ण होती है। सात फेरों में दूल्हा व दुल्हन दोनों से सात वचन लिए जाते हैं। यह सात फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को सात जन्मों तक बांधते हैं। हिंदू विवाह संस्कार के अंतर्गत वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर घूमकर पति पत्नी के रूप में एक साथ सुख से जीवन बिताने के लिए प्रण करते हैं और इसी प्रक्रिया में दोनों सात फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। और यह सातों फेरे या पद सात वचन के साथ लिए जाते हैं। एक फेरे का एक वचन होता है, जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। यह सात फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग में बैठने से पूर्व उससे सात वचन लेती हैं। कन्या द्वारा वर से लिए जाने वाले सात वचन इस प्रकार हैं। प्रथम वचन, यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य कार्य आप करें तो आपकी भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। जिस धार्मिक कृत्य को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायक होता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। द्वितीय वचन, कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि अधिकतम देखने को मिलता है गृहस्थ में किसी भी प्रकार के आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति अपने पत्नी के परिवार से या तो संबंध कम कर लेता है अथवा समाप्त कर देता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तृतीय वचन, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी युवावस्था, प्रौढ़वस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चतुर्थ वचन, चौथे वचन में कन्या वचन मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में
परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके बाएं अंग आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अब यदि पति पूरी तरह से धन के विषय में पिता पर ही आश्रित रहे तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी बला कैसे चल पाएगी। इसलिए कन्या चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पंचम वचन। पांचवें वचन में कन्या जो कहती है, जो आज के परिपेक्ष में अत्यंत महत्व रखता है, वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके बाएं अंग आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह करना आवश्यक नहीं समझते। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। षष्ठम वचन यानी छठा वचन। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके बाएं अंग आना स्वीकार करती हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस वचन में गंभीर अर्थ समाहित है। विवाह पश्चात कुछ पुरुषों का व्यवहार बदलने लगता है। वे जरा जरा सी बात पर सबके सामने पत्नी को डांट डपट देते हैं। ऐसे व्यवहार से पत्नी का मन कितना आहत होता होगा। यहाँ पत्नी चाहती है कि बेशक एकांत में पति उसे जैसा चाहे डांटे किंतु सबके सामने उसके सम्मान की रक्षा की जाए, साथ ही वो किन्हीं दुर्व्यसनों में फंसकर अपने गृहस्थ जीवन को नष्ट न करे। सप्तम वचन यानी सातवां वचन और अंतिम वचन के रूप में कन्या वर से वचन मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके बाएं अंग आना स्वीकार करती हूँ। विवाह पश्चात यदि व्यक्ति किसी बाह्य स्त्री के आकर्षण में बंध कर पगभ्रष्ट हो जाए तो उसकी परिणति क्या होगी। इसलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सप्तवचन और यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।